उन्नाव में भी कोरोना का पहला मामला सामने आ गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन में शामिल 23 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना संक्रमित युवक छुप करके उन्नाव के मोहल्ला शेखवाड़ा में रह रहा था। कॉल डिटेल के आधार पर दिल्ली पुलिस के इनपुट पर स्थानीय पुलिस ने उसे पकड़ा और क्वारंटाइन कराया। युवक के बारे में जानकारी मिल रही है कि युवक जमातों में भी शामिल होकर के धर्म प्रचार का काम करता था और निजामुद्दीन मरकज में भी वो शामिल हुआ था। 14 अप्रैल को जमाती युवक और उसके 3 साथियों का सैंपल लिया गया था। 16 अप्रैल को लखनऊ से आई रिपोर्ट में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जबकि बाकी के साथी नेगेटिव हैं। जमाती युवक ने निजामुद्दीन में शामिल होने की बात छिपा कर रखी थी और इसी बीच वो लोगों से संपर्क में भी रह रहा था। जमाती युवक मूल रूप से हसनगंज तहसील के मोहान कस्बे का निवासी है। वो पिछले 3 मार्च को अपने घर से निकला था। इसके बाद उसकी लोकेशन आसिवान के हैदराबाद कस्बा, उन्नाव और इसके बाद 5 मार्च को वो अन्य 11 जमातियों के साथ पुरवा गया था। यहाँ के मिर्दन टोल मस्जिद में वो 5 और दहीगड़ा मोहल्ला की मस्जिद में 6 जमातियों के साथ रुका था और इसी बीच जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से उसे मस्जिद में ही रुकना पड़ा। पुरवा मस्जिद में हुई तबलीगी जमात में भी युवक शामिल हुआ था। जमाती युवक अपने सभी जमातियों के साथ 29 मार्च को उन्नाव आया था, जहां से उसे 13 अप्रैल को पुलिस ने चिन्हित किया और क्वारंटाइन किया, जिसके बाद जांच में आई रिपोर्ट में उसका कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली। इस पूरे मामले में 13 लोगों पर उन्नाव सदर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही युवक के पारिवारिक जन सहित 40 लोगों के सैंपल भी जाँच के लिए भेज दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों की लापरवाही सभी पे भारी क्यों पड़े? आखिर जब वो जमात में शामिल हुआ तो इसकी जानकारी उसने छुपाई क्यों? और तो और वो अन्य लोगों के साथ बड़े ही आराम से संपर्क में भी रह रहा था। ये कोई लापरवाही है या षड्यंत्र? लेकिन इस एक पूरी घटना ने पूरे उन्नाव के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कहीं ये छोटी सी लापरवाही उन्नाव को भी हॉटस्पॉट में तब्दील ना कर दे, अब ये आशंका भी जताई जाने लगी है। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज आखिर क्या है जो इस तरह जमातों में शामिल होकर कोरोना बम बनकर घूम रहे हैं? ये लोग देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जुर्म तो यह इतना बड़ा है कि यदि सबसे सख्त कानून रासुका भी लगा दी जाए तो वो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि अपनी एक गलती या यूं कहें कि जानबूझकर किए गए कृत्यों से सैकड़ों लोगों की जान को खतरे में डालना एक बहुत बड़ा अपराध है। सरकार को ऐसे मामलों में ढील नहीं देनी चाहिए, उन पर सख्ती दिखानी चाहिए। ज्योति सिंह, HPS TV रिपोर्ट।